ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। मुंब्रा के उदयनगर में एक 26 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने का कारण लड़की के मंगेतर को बताया जा रहा है। मुंब्रा के उदयनगर में रहने वाली रेशमा सुलेमान शेख उम्र 26 ने 10 सितंबर की रात 9:30 बजे के करीब अपने घर के बेडरूम में रुपट्टे का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रेशमा की मंगनी गुजरात के नवा बंदर निवासी यूसुफ चौहान नामक युवक से मार्च 2019 में तय हुई थी। मंगनी होने के बाद रेशमा और यूसुफ में फोन पर घंटों बातें होती थी। लड़की वालों की तरफ से दो बार शादी की तारीख तय करने पर लड़का मना कर रहा था। उसका कहना था, मैंने 2.5 लाख कर्जा लिया है और कर्जा खत्म होने के बाद मैं शादी करूंगा। अगर तुम लोगों को शादी की जल्दी है तो 1.5 लाख दे दो तो मैं अपनी शादी कर लूंगा। इसी सब बातों को लेकर रेशमा और नवाब में तकरार होती थी। और जिस वक्त रेशमा ने आत्महत्या की, उस वक्त उसके कानों में एयरफोन लगे हुए थे और मोबाइल नीचे पड़ा हुआ था। इस पूरे मामले में प्रहार टाइम्स की संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने रेशमा की बहन से बातचीत की है और क्या जानकारी दी है वो आप सुनिए। आपका प्रहार टाइम्स से मैं सबिया हुसैन शेख, आज हम हैं मुंब्रा के उदयनगर परिसर में। यहाँ पे एक रेशमा नामक युवती ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने की क्या वजह थी, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेशमा की छोटी बहन। आइए उनसे बात करते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्या वजह से आपकी बहन ने आत्महत्या की? उनकी आत्महत्या की वजह है उनका शौहर, जो होने वाले शौहर थे वो। तो जो शौहर थे उनका नाम क्या था और उनके वजह से क्यों आत्महत्या की आपकी बहन ने? वजह थी उनके होने वाले शौहर। उनके बीच में मतलब उनकी सगाई हुई थी पाँच मार्च 2019 में। उसके बाद करीब 1 से 1.5 महीने बाद उनके बीच में झगड़े होने लगे, आपसी मनमुटाव होने लगा। उनके वो हर तरफ उससे उन पे शक करता था। कि सगाई जो हुई थी रेशमा की, ये फैमिली ने पसंद की थी या रेशमा खुद पसंद से अपने सगाई की थी? ये उनकी अरेंज मैरिज थी। अच्छा। रिश्ता आया, उसको बताया गया, उसने खुद ने पसंद किया था कि हाँ ठीक है चलेगा करके। मुझे उसकी उसने जब आत्महत्या की है उसके बाद मुझे एक रिकॉर्डिंग मिली, उसमें मुझे समझने में आया कि उनके बीच में आपस में रोज झगड़े होते थे। टॉपिक था शादी और पैसे के बारे में, और एक बात थी जो फिजिकल हुआ था उसके ऊपर से। वो बोलता था शादी नहीं करनी है, लेकिन वो थी एक लड़की, तो वो सोच सोच के डिप्रेशन में जाते गई। बस सगाई होने के बाद शादी ना होने के कारण वो सामने वाला जो है मंगेतर उनके, उनका कहना था कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, और शादी भी करूंगा तो तुझे बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। उनका बाहर किसी और के साथ रिलेशन था या कुछ और था, अब वो तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता था, मैंने रिकॉर्डिंग सुना है, उसमें यही है कि उन्होंने यही कहा था कि मैं तुझे बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। अभी आपने बताया कि रेशमा की सगाई मार्च में हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे, और इस पे रेशमा के होने वाले शौहर ने पैसे की मांग की थी। तो किस वजह से वो पैसों की मांग कर रहे थे आप बता सकते हो? क्योंकि मेरी बहन जो थी वो गाँव गई थी रिश्ते की तारीख निकालने के लिए, शादी करना है करके। लेकिन वो लोग शादी के लिए आना का नहीं करते आगे पीछे। तो बहन ने बोला क्या प्रॉब्लम है, क्यों शादी नहीं करनी है? तो उन्होंने बोला कि हम लोग को किसी का कर्जा देना है 2.5 लाख रुपया, तो आप 2.5 लाख पूरे नहीं, आप हम लोग को दहेज के तौर पर 1.5 लाख रुपया दीजिए, तो फिर हम लोग शादी की तारीख निकालेंगे। अगर ये कर्जा हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग तब तक शादी नहीं करेंगे। इस पर हम लोग का यही कहना था, मेरी सिस्टर ने यही कहा था हम लोग से, मम्मी पापा से पूछ कर कि क्या करें अब। तो मम्मी डैडी ने यही कहा था कि बेटा उनको ये बोलना कि शादी जब होगी तब दहेज देना है, दहेज तो नहीं लेकिन हम लोग से जितना बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, दहेज तो कानून में भी मतलब नहीं देना चाहिए। तो इसलिए मम्मी ने वो पैसे देने से तब इनकार कर दिया था। तो जो लड़का था तो वो कौन से शहर या कौन से गांव का था? वो थे जूनागढ़। जूनागढ़ में ऊना में है नवा बंदर, वहाँ के हैं वो। रेशमा ने जब आत्महत्या की तो आप लोग कहाँ थे? उस वक्त हम लोग काम पर थे, लेकिन जब मैं काम पर से आई मुझे ये सब पता चला, काम पर ही मुझे फोन आ गया था। तब मैं काम पर से आई तब मुझे पता चला, मैंने डैडी से पूछा डैडी ये सब कैसे हुआ, तो डैडी ने बोला कि बेटा मुझे भी कुछ पता नहीं, लेकिन मैं कुछ 8:30 बजे बेडरूम में ही था,
तो 8:30 के बाद डैडी ने उसे खाना मांगा, डैडी ने खाना खाया, डैडी ने बेडरूम में ही थे तभी, और रेशमा भी उस समय बेडरूम में थी और वो नवाज से फोन पर बात कर रही थी। तो डैडी को उसने ही कहा कुछ 9 को 5 या 10 मिनट कम होते समय डैडी को उसने कहा कि डैडी आप अभी हॉल में जाइए, मुझे नवाज से बात करनी है। उस वक्त वो फोन पर ही बात कर रही थी इसलिए डैडी हॉल में आ गए। उसके बाद 9:30 के करीब डैडी ने मम्मी से कहा कि चाय बनाने बोलो, तो मम्मी ने छोटे बहन के छोटे बच्चे को कहा कि जाओ और रेशमा को बोलो चाय बनाने के लिए। जब वो गया और डोर नॉक करा तो डोर वो खोल नहीं रही थी, तो मम्मा ने बोला पीछे विंडो में जाके देख और पानी डालकर सोई होगी। तो जब डैडी बाहर निकले तभी वो फोन पे बात कर रही थी लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो उनको लगा वो सो गई होगी। इसलिए वो बच्चा गया वहां से विंडो ओपन किया तो देख रहा है रेशमा जो थी वो हैंगिंग थी। तब जाके फिर डैडी ने जोर से डोर ओपन किया और डोर ओपन करने के बाद देखा तो रेशमा हैंगिंग थी और उसके कान में ईयरफोन था, आसपास मोबाइल गिरा हुआ था और डब्बा गिरा हुआ था। उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो आपने पुलिस कंप्लेंट किए थे? उस दिन तो नहीं हुई थी लेकिन उसके 2 दिन बाद कंप्लेंट हुई है। तो आपको क्या लगता है पुलिस वाले इस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं? जहां तक अब तक है तो पुलिस वाले अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबके पास एक बात पहुँचाना चाहती हूँ, यही कि जो कुछ भी हुआ मेरी बहन के साथ वो जो सब अगर हम लोग को पहला पता चलता तो हम लोग ये चीज़ होने नहीं देते। जो कदम आज मैं उठा रही हूँ मेरी बहन के लिए वो मैं पहला भी उठाती थी। और रहा मेरे माँ बाप का सवाल, सब लोग के कमेंट्स आए पहले वाले वीडियो पे कि गलती माँ बाप की होगी, गलती बहन की होगी, तो गलती माँ बाप की नहीं होगी। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को खुद होकर जानबूझकर किसी के हवाले नहीं करेगा कि उसको दुख दो तकलीफ दो। अपने माँ बाप देखते हैं तो अपने लिए अच्छा ही लड़का देखेंगे, यही सोच मेरी बहन ने किया था और मेरे माँ बाप ने यही सोच के लड़का अच्छा है करके। और एक बात होती है, जो लड़का अभी अच्छा है वो बाद में भी अच्छा होगा इसकी गारंटी हम दे नहीं सकते। और जो कमेंट्स करे उनको भी मैं यही बोलूंगी कि आप अभी अच्छे हो तो बाद में अच्छे हो ये हम लोगों को भी नहीं पता और आप खुद को भी नहीं पता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है अगर आप किसी को हौसला नहीं दे सकते तो उसका हौसला तोड़िए भी मत। तो आपने सुना मृतक रेशमा की बहन ने क्या कहा है। इस मामले में मुमरा पुलिस ने नवाब चौहान के खिलाफ IPC की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की आगे की जांच मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI मधुकर कड़ के मार्गदर्शन में PI शीर सागर कर रहे हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।